आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम दसवीं कक्षा से संबंधित जो है बड़े भाई साहब अध्याय, पहला अध्याय है गद्य बड़े भाई साहब। इसका जो हमने गत दो वीडियो में जो है इसका समग्र अध्ययन करते आ रहे हैं। पाठ बड़ा होने के कारण हमें जो है भागों में आपको जो है विषय का अध्ययन करवा रहे हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि छोटे भाई जो हैं बड़े भाई का दोनों का परीक्षाएं होती हैं और उस परीक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटे भाई पास हो जाते हैं और दोनों का बीच का जो अंतर है अभी केवल दो कक्षा यानी दर्जा का अंतर है। लेकिन अब जो है छोटे भाई वह अहंकारित होकर यानी मैं पास हो गया, छोटे भाई बड़े भाई फेल हो गए तो मैं खेल कूद करते हुए पास हो सकता हूँ ऐसे समझकर जो है बड़े भाई का विचारों को छोड़कर वह फिर से खेल कूद करने जाता है। तभी बड़े भाई उनसे कहते हैं कि यह घमंड छोड़ दो क्योंकि अगला जो दर्जा है इससे भी कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी। जैसे अलजीब्रा में आपने देखा होगा या अंग्रेजी इतिहासों में देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर चार्ल्स विलियम ऐसे आ जाएंगे जो उनके बहुत सारे दर्जनों नाम आएंगे लेकिन इसे याद रखना उतना आसान नहीं है। रावण का भी उन्होंने उदाहरण दिया, घमंड अच्छा नहीं होता है ऐसे कहा, आपको अध्ययनशीलता जो है बरकरार रखने की बात करता है। उसी प्रकार आगे कहते हैं कि आओ जमेंगे तो बस खुदा ही पनाह है यानी उसे पनाह दे। अब ज की जगह अज ब लिखा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी निर्दयी मुमताहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रहता है, मगर इन परीक्षाओं को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। यानी देखिए वो कहते हैं कि ऐसे परीक्षाओं को जो अंग्रेजों के नाम हो, उनके राजाओं के नाम हो, अलजेब्रा में अ ज ब के जगह ब ज अ लिखेंगे तो इसमें बहुत सारा फर्क होता है। दाल भात रोटी खाओ या रोटी भात दाल खाओ एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर परीक्षाओं में यहाँ पर जो है कितना लिखते हैं उसके ऊपर अंक मिलता है और रट बच्चों को जो परीक्षाओं के लिए रटना लगता है। इसीलिए वे कहते हैं कि परीक्षाएं इसीलिए पढ़ना जरूरी है, बहुत सारा समझना जरूरी है कहते हैं बड़े भाई। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा, ऊंची इससे प्रयोजन दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बाला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापत यानी इसे लिखना, इसे यादगार करना, याद रखना, याद करनी पड़ती है। खुरापत यानी शरारत बेजोड़ जो है इसके लिए करना पड़ता है। ऐसे सब जो है इसका परीक्षा में उतना ही जो है इस्तेमाल होता है, व्यवहारिक जीवन में जो है इसका प्रयोग नहीं होता है, फिर भी आपको यह लिखना पड़ता है परीक्षाओं में। आगे कहते हैं कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए ने अपन लिखने की बात कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर
प्रॉब्लम होने के कारण फिर से चला गया था। देखिए उसके कारोबार में उन्नति होती है, लेकिन इस जरा सी बात पर चार पन्ने पैसे लिखिए, जो वक्त का पाबंदी पर आपको समय की पाबंदी पर लिखना है, लेकिन चार पन्ने लिखने हैं। ये कैसे हो सकता है? ऐसे बड़े भाई साहब छोटे भाई को कह रहे हैं, जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्नों में लिखने की जरूरत। मैं तो इसे इमारत कहता हूं, बर्बादी, वक्त का बर्बादी। यह तो समय की किफायत नहीं, यानी समय की जो है किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग की है कि व्यर्थ में किसी बात को ठोस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, यानी चटपट कहकर जाना है वहां पर, ऐसे कह रहे हैं। मगर नहीं, आपको चार पन्ने रेंगने पड़ेंगे, चाहे जैसी जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केच आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो चार पन्ने हुए नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? वो बड़े भाई साहब छोटे भाई को कह रहे हैं, चार पन्ने बोलो या 10 पन्ने बोलो, समय की पाबंदी भी रहेगी, ऐसे सब कुछ कह रहे हैं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो यह सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, यानी क्या कष्ट है यह मालूम होगा तुम्हें। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसीलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हो लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधे नहीं पछताएगा। गिरह बांधे ने गांठ बांध लो। वे कह रहे हैं कि समय की पाबंदी एक विषय पर आपको लिखने कहते हैं तो उसे आप जो है चार पांच पन्ने में संक्षिप्त में कहते हैं, ऐसे बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई को कह रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसे पन्नों को लिखना है परीक्षाओं में पास होने के लिए, अव्वल आने के लिए। यह जो बात है तुम्हारे दिमाग में रखने के लिए कहते हैं। आगे स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होगी। होती भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। तो छोटा भाई कह रहा है मैं पास हो गया हूं, जो उपदेश जो है बड़े भाई का अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। वह कह रहे हैं कि मैं यदि पास होकर भी अव्वल आकर भी तिरस्कार कर रहे हैं, यदि मैं फेल होता तो कैसे होता। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यह ताजुब है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना बताते हुए भयंकर बताते हुए भी वह अपना जो है परीक्षाओं को या भयभीत हुआ नहीं हुआ। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए।
लगा। देखिए जो कहता है कि वह उसका पढ़ाई का जो सिलसिला है वो ज्यों का त्यों ही रहा, वो खेल कूद हमेशा करता रहा, उसे एक डर भी था कि मैं अभी पास होना ही है। आगे कहते हैं, फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणांतर परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा क्रांति ही हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। देखिए यह सब जो फिर से इम्तिहान आया उसमें छोटे भाई पास हो गए, बड़े भाई इतना परिश्रम करते हुए भी वह है जो फेल हो गए। मैं भी रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया तो होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि का बात कौन टाले। देखिए वो कहता कि मैं भी फेल हो जाता तो, छोटे भाई जो कह रहा है मैं भी फेल हो जाता तो मुझे भी उतना जो है जो भाई साहब को दुख हुआ है उसे कम हो जाता उस दुख को, क्योंकि मैं पास हो गया हूँ वो फेल हो गया तो उसे दुख जो है उमड़ कर आ रहा है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह इस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। देखिए यहाँ पर बड़े भाई साहब जो हैं फेल हो गए हैं, लेकिन इनको एक वहाँ पर शरारत सोचती है छोटे भाई को, यदि काश और एक इम्तिहान में जो मैं पास हो जाता और उनके बराबर आता तो इन्हें डांटने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। देखिए छोटा भाई है वो डांट फटकार से दूर होना चाहता है, लेकिन बड़े भाई साहब उनको अच्छे के लिए राह पर डांटते हैं और शायद आगे सोचता है कि डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह उनके डांट फटकार से ही मैंने पढ़ना सीखा और मैं अच्छे नंबर भी ले सका। आगे देखिए, अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से काम लिया। शायद अब वह कुछ समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। यानी वो जो है वह अभी डांटना छोड़ दिया तो इन्होंने स्वतंत्रता हासिल कर अभी अपना काम शुरू कर दिया। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है, इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी ही भेद होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, यानी उनका सम्मान करता था, उनकी नजर बचाकर कनकवे उड़ाता था, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरे नजरों में कम हो गया है। देखिए यहाँ पर जो है छोटे भाई अभी वह
अपने आप को बहुत ही होशियार समझ रहा है और वो भी खेल कूद में के साथ साथ पतंगबाजी में भी वह अभी रुचि लेने लगा है। वह खेलने के लिए जा रहा है लेकिन उन बड़े भाई को सम्मान देता था इसीलिए वह इन बातों को छिपा कर रखता है। आगे देखिए, एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पति की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यानी यहाँ पर जो है पतंगबाजी खेल रहे हैं, एक पतंग को टूटने के बाद उसे लूटना है, यहाँ पर लेने के लिए जाते हैं तो सारा ध्यान जो है ऊपर पतंग जो है उड़ रहा है उसकी ओर है। बालकों की पूरी सेना लगी और जाड़ेदार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। देखिए ऊपर जो है कुछ कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर केवल पतंग दिख रहा है उनको। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हार पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और तुमसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। देखो अभी वो पतंगबाजी करते समय बड़े भाई आकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, इस छोटे से कौड़ी के भार की जो है कनकवे के लिए इन बाजारी लौंडों के साथ घूम रहे हो, अब केवल एक दर्जा आगे हो, लेकिन ये बात नहीं कि आप मनमानी चलाओ। ऐसे उसे डांट फटकार देते हैं। आगे कहते हैं, एक जमाना था कि लोग आठवा दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। यानी नायब तहसीलदार यानी डिप्टी जो है तहसीलदार हो जाते। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो मिडल पास करके जो अवधे जो है जो अपने स्थान को ग्रहण किया है, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती करते हैं। तो देखो इसका मतलब यही है कि लेखक जो बड़े भाई सब जो हैं छोटे भाई को कह रहे हैं कि आठवीं कक्षा पास कर लोगे तो बहुत सारे इसमें जो हैं डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, तो इतना महत्वपूर्ण जो है कक्षा है उसकी पढ़ाई करो ना बल्कि इसके साथ कनकों पे खेलते हुए इधर उधर भागो। आगे कहते हैं, मैं काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस काम अकली पर दुख होता है। यानी इस काम पर दुख हो रहा है उसे। तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले, यानी आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षाओं का यही हाल है तो
समकक्ष हो जाओगे और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, लेकिन मुझमें और तुम्हें जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। देखिए वो कहता है कि तुम मेरे बराबर आ रहे हो, लेकिन जो 5 साल का अंतर है उसमें लिहाज से मैं बड़ा हूँ, जो है तुम मेरे बराबर हो लेकिन फिर भी बराबर ही कर लोगे, लेकिन मैं जो बड़ा हूँ बड़ा ही रहूंगा, मैं उपदेश देता ही रहूंगा। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है यानी जो अनुभव है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए या डी फिल या डी लिट की क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादाजी शायद पांचवी छठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसीलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा और रहेगा। अमेरिका में किसी तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितनी ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। यहाँ पर जो है बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि देखो तुम बड़े हो, आप कक्षा से मेरे समकक्ष आ जाओगे, लेकिन अनुभव जो ज्ञान है यह सबसे बड़ा करता है, क्योंकि दादाजी अम्मा जी हैं कम बड़े हैं फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान जो है ज्यादा है। इसीलिए आप जितना भी हिंदी का पढ़ लो इतिहास पढ़ लो, लेकिन जो है दादा दादी का माँ का या दादा का जो अनुभव है वह नहीं पा सकोगे, ऐसे बड़े भाई छोटे भाई को कहते हैं।